दुर्ग विधायक द्वारा मुख्यमंत्री की तुलना भगवान शंकर से करने को बेहद शर्मनाक बयान बताते हुए भाजपा के दुर्ग जिला उपाध्यक्ष केश चौहान ने कहा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के पिता भगवान को अपशब्द कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक वोरा उनके बेटे की तुलना भगवान से करते हैं। ये निंदनीय है। दुर्ग विधायक केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता की भावनाओं से ना खेलें, ये असामाजिक कृत्य है। अपने अप्रासंगिक कृत्यों से दुर्ग और प्रदेश की को शर्मसार ना करें। विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की छींटाकशी भी लगातार सुर्खियों में देखी जा रही है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने मीडिया से चर्चा के दौरान राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की तुलना भगवान शंकर से ही कर डाली। जैसे हमारे भोले बाबा यहाँ बैठे हैं, वैसे प्रदेश में भूपेश बघेल के रूप में भोले बाबा है और वो सबका उद्धार कर जो उनके पास जाता है उनकी मांग को पूरी करते हैं। अब क्या बचा है, सब वर्ग को तो उन्होंने दिया है, तो अब वो मंदिर में आने के लिए तैयार नहीं है। तो वही दुर्ग विधायक के इस बयान पर भाजपा ने इसे अपमानजनक बयान बताया। दुर्ग विधायक के इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर भी देखा जा रहा है। इसकी घोर निंदा करते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता केश चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल कुर्सी बचाने के लिए विधायक अरुण वोरा जनता की भावना से ना खेले। बहुत ही शर्मनाक बयान विधायक अरुण वोरा जी का आया है, जिन्होंने भूपेश बघेल जी की तुलना शंकर भगवान से की है। उन भूपेश बघेल की तुलना शंकर भगवान से की है जिनके पिता ये बोलते हैं कि राम नहीं रावण को पूजो, जिनके पिता ये बोलते हैं कि वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण को समाज में टिकट नहीं मिलने चाहिए भले वो कोई भी दिल के हों, उनकी तुलना आप शंकर भगवान से करते हैं। शंकर भगवान ने तो विष पी के समाज को बचाया था, पृथ्वी को बचाया था, ये तो विष परोस के घर घर शराब बांट के अपना पेट भर रहे हैं। आप सिर्फ तुलना शंकर भगवान से सिर्फ इसलिए किए हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाए, आप अपना राजनीतिक लाभ ले सके। विधायक जी, एक जनप्रतिनिधि की निष्ठा समाज के प्रति होनी चाहिए, अपने क्षेत्र के प्रति होनी चाहिए, अपने प्रदेश और देश के प्रति होनी चाहिए और जनता के प्रति होनी चाहिए, उसके बाद आपकी निष्ठा किसी दल के साथ होनी चाहिए। ऐसे कुत्सित प्रयास आगे से आप ना करें और लोगों को मार्गदर्शन देना तो बहुत दूर, उनका मार्ग भटकाए मत, ऐसी हमारी अपेक्षा है आपसे। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के इस बयान को उनकी जबान फिसलना कहे या जानबूझकर वक्तव्य देना, ये उन्हें बेहतर पता होगा। लेकिन इतना तय है कि दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री को खुश करने के मकसद से ही उनकी तुलना भगवान शंकर से कर डाली। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है विपक्षी पार्टी का। बहरहाल दुर्ग विधायक अरुण वोरा के इस बयान से दुर्ग की राजनीति बेहद गर्मा गई है। वहीं भाजपा व आप पार्टी के नेताओं ने विधायक अरुण वोरा के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।